गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अतिन गुप्ता। आज आपको उनको खुद सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पढ़ा रहा हूँ। इसके अंतर्गत पाठ्य सहायक क्रियाओं का हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हमारा अंतिम टॉपिक है सत्रांत समारोह या सत्र के बाद समारोह होते हैं उनका आयोजन। तो पहले समझ लेते हैं सत्रांत समारोह क्या होता है। सत्रांत समारोह वह समारोह होता है जो सत्र के अंत में होता है और ये वर्ष के अंत में होता है और केवल एक ही बार होता है। ठीक है, सत्रांत समारोह वह समारोह होता है जो सत्र के अंत में होता है और वर्ष में एक बार होता है और सत्र के अंत में होता है वर्ष में एक बार होता है और अनिवार्य रूप से इसका आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी वर्ष भर की छात्रों शिक्षकों की उपलब्धि होती है उनसे छात्रों एवं शिक्षकों को परिचित कराया जाता है, छात्रों को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से सत्रांत समारोह के बारे में हमने जाना। अब आगे देखते हैं सत्रांत समारोह की आवश्यकता। जब कभी भी सत्रांत समारोह को का आयोजन किया जाता है उसमें कुछ जरूरी बातें होती हैं, उसको हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, निश्चित रूप से उनको ध्यान रखना है। पहला है प्रधानाचार्य द्वारा एक समिति का गठन किया जाए। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। पहला है प्रधानाचार्य द्वारा एक समिति का गठन किया जाए जिसमें शिक्षकों को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार कार्य सौंपा जाए। पहला जो भी विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं सत्रांत समारोह के अंतर्गत पहली ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी प्रधानाचार्य हैं उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाए। उसके अंदर जो जिन अध्यापकों की जो कार्यक्षमताएँ हैं उनके अनुसार ही उनका कार्य का वितरण किया जाए। नंबर दूसरा है, दूसरी बात है वो ध्यान रखनी है, वो है सत्रांत समारोह में छात्रों की उपलब्धियों का लिखित ब्यौरा तथा पुरस्कारों की सूची पहले से ही तैयार कर ली जाए। अर्थात इसके अंतर्गत जब कभी सत्रांत समारोह का आयोजन किया जाए तो उनमें सबसे पहले क्या है, छात्रों ने जो भी अचीवमेंट हासिल किए हैं, जो भी अचीवमेंट किया है पूरे सत्र में उनका ब्यौरा तैयार किया जाए और पुरस्कारों की सूची पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। दूसरा पूरा हुआ। तीसरा है समारोह में किन किन प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उनके निमंत्रण पत्र उनका आयोजन पहले से ही निर्धारित कर लेने चाहिए। अर्थात सत्रांत समारोह में कौन कौन से अतिथि होंगे, उनके को निमंत्रण दिया जाएगा, उनके जो निमंत्रण पत्र हैं पहले से तैयार कर लिए जाए, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसको पहले से ही तय कर लेना चाहिए। अगला है ध्यान देने वाली बात है वह शिक्षकों तथा छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। सत्रांत समारोह से पहले जो हमें जो भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो है जब कभी इस कार्यक्रम का या इस समारोह का आयोजन किया जाएगा उसमें शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी आवश्यक है। अगली बात है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए या कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों सपोर्टिव स्टाफ और स्टूडेंट की भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा निश्चित रूप से करनी चाहिए जिससे सभी सपोर्टिव स्टाफ का, सभी कर्मचारियों का, छात्रों का उत्साहवर्धन होगा और नेक्स्ट सेशन के लिए छात्र पूरे उत्साह, पूरे जोश, पूरी तत्परता से तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार से किन बातों का ध्यान रखना है और सत्रांत समारोह का क्या है मैंने बता दिया। एक बार फिर समझ लेते हैं, सत्रांत समारोह वह समारोह होता है जो सत्र के अंत में होता है, अर्थात प्रत्येक वर्ष के अंत में होता है और इसमें और आवश्यक रूप से सत्र के अंत में आयोजित किया जाता है। इसमें छात्रों की उपलब्धि, शिक्षकों की उपलब्धि, उनको पुरस्कार एवं उससे संबंधित जो भी अचीवमेंट हैं उनको उसमें रखा जाता है और उनको छात्रों शिक्षकों को दिया जाता है। ये सत्रांत समारोह हुआ, कुछ आवश्यक बातें थी, एक बार जल्दी से फिर देख लेते हैं। पहला है प्रधानाचार्य द्वारा एक समिति का गठन किया जाए जिसमें शिक्षकों को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार कार्य सौंपा जाए। दूसरा है सत्रांत समारोह में छात्रों की उपलब्धियों का लिखित ब्यौरा तथा पुरस्कारों की सूची पहले से ही तैयार कर ली जाए। नेक्स्ट है समारोह में किन किन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया जाना है उनके निमंत्रण पत्र तैयार कर लिए जाए, उनको इन्वाइट किया जाना है, इन्विटेशन पत्र और उनको किस प्रकार ऑर्गेनाइज किया जाना है इसको भी सुनिश्चित कर लेना है। अगली बात है वह शिक्षकों तथा छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से उनके अंतर्गत रहनी चाहिए, ये सुनिश्चित कर लेना है कि छात्र और शिक्षक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। अगला है कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए
शिक्षक छात्रों और सपोर्टिव स्टाफ का प्रधानाचार्य द्वारा उनकी प्रशंसा की जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस पेपर में शैक्षिक क्रोध के अंतर्गत सॉरी पाठ्यसहगामी क्रियाओं के क्रोध के अंतर्गत सत्रांत समारोह को पढ़ा और ये हमारे इस टॉपिक का अंतिम सब टॉपिक था। तो आज के स्टेटमेंट में बस इतना ही। आपको इससे संबंधित कोई क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएँ। धन्यवाद।